आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा महानगर में इस समय वाहन पास के लिए मारामारी दिख रही है। आपको बताते चलें कि लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन के दौरान वाहन पास हासिल करना स्टेटस सिंबल लोग मान रहे हैं, जबकि प्रशासन ने अत्यधिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी वाहन पास उपलब्ध कराने के आदेश जारी नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन हो, इसके लिए आवश्यक सेवाओं के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन लोग वाहन पास के लिए जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इस समय वाहन पास के लिए मंत्री से लेकर संतरी तक अधिकारियों के फोन घनघना रहे हैं। एडीएम फाइनेंस ने लोगों से अपील की है कि उनकी सेवाओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, प्रशासन की गाइडलाइन का लोग पालन करें। देखिए, 21 दिन का समय ज़्यादा होता है, लेकिन जिस तरीके से ये विश्वव्यापी महामारी है उसको देखते हुए संपूर्ण देश को नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया को बचाने के लिए अति आवश्यक कदम है। लोगों को ये लग रहा है कि उनको ज़बरदस्ती सरकार घरों में रहने के लिए बाध्य कर दे रही है, ऐसा नहीं है। इसमें मेरी जनता से अपील है, ये कर्फ्यू से बहुत आगे की चीज़ है। कर्फ्यू में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में दो चार लोगों को पास जारी कर देते हैं अपरिहार्य परिस्थितियों में, लेकिन इसमें लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि कर्फ्यू लगा है या कर्फ्यू जैसी स्थिति है इसमें भी पास जारी हो सकता है। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, ये कर्फ्यू नहीं है, कर्फ्यू से बहुत आगे की चीज़ है, जिसमें सड़क पर निकलना ही अपने आप को मौत के नज़दीक लाने जैसा है। तो इसमें सिर्फ ना आप संक्रमित होकर मरेंगे या पीड़ित होंगे, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। प्रशासन उन्हीं लोगों को वाहन पास उपलब्ध करा रहा है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, अन्य किसी को भी वाहन पास नहीं दिए जा रहे। परिस्थिति की गंभीरता को सभी को समझना है, ये कर्फ्यू नहीं है, उसके बहुत आगे की चीज़ है, जिसमें संपूर्ण मानव मात्र को संकट का खतरा उठाना पड़ रहा है। हमारा देश तो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम दुखद होगा और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए लोगों से अनुरोध है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, समाज सेवा के नाम पर या खाली बहानेबाजी करके पास लेने के नाम पर या गैर आवश्यक चीज़ें जो हैं उसके नाम पर पास लेने की होड़ न लगाएं, वो पास जारी भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार जैसे गाइडलाइन देगी उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यक आवश्यकताओं की असुविधा न होने पाए, कमी न होने पाए। इस समय गरीब लोगों की मदद के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन हर कोई वाहन पास और प्रशासनिक अनुमति चाहता है। प्रशासन ने आगरा के दानदाताओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति अगर मदद करना चाहता है तो वह निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी को 9639555540 पर फोन या व्हाट्सएप कर सकता है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।